ये जो दिख रहा है एंट्री, ये है पाकिस्तान के गेट के साइड से एंट्री है, मतलब यहाँ पाकिस्तानी लोग यहाँ से आ रहे और हमारा जो है दूसरी साइड से है। ठीक है ठीक है, कोई मसला नहीं है। और सुबह सीधा इंडिया आईफोन लेकर आएंगे वहीं से। अगली बार आएंगे ना इधर आईफोन लेके जाएंगे। ये कितने का है? 400 इंडियन। 400 इंडियन, इंडियन 400 रुपए के, पाकिस्तानी 800 रुपए। और ये 6 कर दिया, 6 हो गया। ये इंडियन 250 रुपए का, पाकिस्तानी 500। दर्शन हो गए हैं, अब जो है लंगर का टाइम हो गया है। तो यहाँ पे लंगर में क्या क्या है आज? मीठा चावल है, नमकीन चावल है, छोले हैं और आलू बैंगन की सब्जी है और चपाती है। बहुत लगी है भूख, अब खाते हैं। ये है गुरुद्वारे का किचन, यहाँ पे खाना बनता है। और ये लंगर एरिया जहाँ पे बैठ के खाना वाना खा रहे हैं। भाई साहब, ये जो सरोवर है ये मेल का है, तो यहाँ पे जेंट्स सिर्फ आएंगे, लेडीज़ का दूसरे साइड है। पानी एकदम चिल है, एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है एकदम। तो भाई साहब बहुत गर्मी, हालत ख़राब हो रखी है एकदम। आई थिंक इसमें लोग नहाते भी होंगे। ये जो दिख रहा है एंट्री, ये है पाकिस्तान के गेट के साइड से एंट्री है, मतलब यहाँ पाकिस्तानी लोग यहाँ से आ रहे और हमारा जो है दूसरे साइड से है। तो यहाँ पे इनको कोई यहाँ पे इनको कुछ कोई डॉलर पे नहीं करना है कि $20 पे करना है, सिर्फ इंडियन को पे करना है, बाकी इनके लिए तो फ्री है। ठीक है, मतलब टूरिस्ट आ रहे हैं तो कुछ चार्ज तो लगेगा, वही है $20 ही सही। ठीक है ठीक है, कोई मसला नहीं है। और सुबह सीधा इंडिया आईफोन लेकर आएंगे वहीं से। अगली बार आएंगे ना इधर, फिर आईफोन लेके जाएंगे। जरूर अच्छे अच्छे खासे आईफोन, सैमसंग टैब, सारे ब्रांड्स हैं। हुआवे है, वो भी है यार। तू बड़े भाई जान दा, याद रखना कि ओके जी। मोबाइल चार्ज कर रहा हूँ, मोबाइल सामने की पैसा आए थे, पैसे भर गए मोबाइल में चार्ज कर। चलते हैं अब मार्केट देखने। अभी यहाँ पे आधा पौने घंटे यहाँ पे स्पेंड करूँगा और करेंसी मैंने एक्सचेंज कराई है पाकिस्तानी करेंसी, तो कुछ खरीद ही लेते हैं, देखते हैं कुछ अगर पसंद आएगा तो लूँगा, नहीं पसंद आएगा तो फिर नहीं लूँगा। फिर जो कैश बचेगा मैं देखता हूँ क्या रेट पर फिर वापस करेंगे वो, अभी देखते हैं। बहुत 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 गंदी वाली धूप है, ऐसी धूप है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि चुभ रहा है भाई। बट ठीक है, अगर आप एक्सप्लोर करने आए हो तो फिर कुछ कर नहीं सकते हो। ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये है, यहाँ से जितने पाकिस्तानी हैं वो आ रहे हैं और जो इंडियन है वो यहाँ से, जो बसें लगी हुई है वो इंडिया के लिए है। तो इनको क्या है कि 400 पाकिस्तानी करेंसी पे करना होता है एंट्री के लिए, हमें $20 पे करना होता है एंट्री के लिए। तो ये डिफरेंस है, अभी थोड़ा दूर है और वहाँ पर मार्केट, मेरे ख्याल से मार्केट अभी चार शॉप सारी ओपन होगी नहीं, बट देखते भी जाकर पता चलेगा क्या ऐसे।
पान ले लिया। हलवा है सबसे फेमस पाकिस्तान का सोन हलवा। ये क्या है? ये क्या है ना? ये 250 रुपए के 200 डिस्काउंट रेट है। चलो फिर 5 डब्बे दे। 250 नाम क्या है इसका? अच्छा नाम है क्या इसका? क्या इसका नाम क्या बोला आपने? मुल्तानी सोहन हलवा। मुल्तानी सोहन हलवा दे दो भैया, दे दो। ये कितने का है? ये कितने का है भैया? हाँ ये कितने का है? 400 इंडियन। 400 इंडियन 400 रुपए का, पाकिस्तानी 800 रुपए। और ये 6 कर दे यार, 6 हो गए। ये इंडियन 250 रुपए का, पाकिस्तानी 500 रुपए। करेंसी आप दोनों ले लेते हो? इंडियन करेंसी ले लेते हो? नहीं पाकिस्तानी ले रहे तो। अच्छा इंडियन नहीं लेते ना। ये भाई साहब शेक खोया खजूर शेक जो है 300 पाकिस्तानी, मतलब 150 रुपये, ये सब रेट है। और ये वाली शॉप से मैंने ली है हलवा, पाकिस्तान की मशहूर मुल्तानी सोहन हलवा। तो भाई लोग पूरा दर्शन हो गया, सारा कुछ हो गया, अभी वापस जा रहा हूँ और अंकल ने लिफ्ट दे दिया यहाँ पे और बस स्टैंड तक जाना है, उसके बाद फिर वहाँ पे देखते हैं दिल्ली का प्लान कैसे करना है। बस तो मिल जाएगी और शाम को 7:30-8 बजे का है और मॉर्निंग में 6 बजे पहुँचने का प्लान है। तो अभी मैंने सोचा नहीं था कि जाना कैसे, बट अंकल ने लिफ्ट दे दी, अब यहाँ से सीधा बस स्टैंड निकलेंगे और हार्डली 5-10 मिनट लगेंगे, उसके बाद पहुँचते हैं फिर बताते हैं। कहाँ जाना आपने? अभी तो बस स्टैंड जाना है, फिर वहाँ से दिल्ली। दिल्ली जाना? हाँ जी। कहाँ से बस लोगे? यहाँ से बस लूँगा अमृतसर के लिए। अच्छा। और अमृतसर से दिल्ली। भाई लोग उन्होंने आधे रास्ते तो छोड़ दिया है बिकॉज उनको निकलना था चंडीगढ़, तो वो चले गए लेफ्ट, मैं आ गया राइट। यहाँ से अराउंड है 500 या 600 मीटर है, तो पैदल चलना पड़ेगा। देखता हूँ अगर कुछ जुगाड़ मिला तो लिफ्ट ले लूँगा, क्योंकि 5 बजे लास्ट बस चलती है, कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। लिफ्ट देखता हूँ, अगर मिल गया तो ठीक है। अपन पहुँच गया डेरा बाबा बस टर्मिनल, अब यहाँ से लेने अपने को अमृतसर की बस। देखते हैं, अभी कह रहे हैं बैक साइड मिलेगा। भाई साहब मेरे पीछे जो देख रहे हो ना, ये बस जा रही है अमृतसर, तो मैंने पूछ लिया कितनी देर में निकलेगी, एटीएम जाना है मुझे। सब बोला कि कोई बात नहीं, आप एटीएम से होकर आओ, हम वेट कर लेते हैं। तो चलो बस लगी हुई है, अब मैं एटीएम से कैश निकाल लेता हूँ बिकॉज़ कैश मेरे पास है नहीं, तो कैश निकालना होगा। कैश निकाल के फिर चलते हैं। अच्छा रहा यार टूर जो है ना, ये वीकेंड प्लान आप कर सकते हो, मैं आपको अलग से बताऊंगा कि वीकेंड में कैसे ये प्लान करना है।